हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथियों, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए अपनी परंपराओं अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार आज समय की मांग है।